बाल विकास परियोजना आईसीडीएस में फर्जी बहाली घोटाले चरम पर है। मेगा सूची में नंबर एक के कैंडिडेट को बहाली ना कर दूसरे नंबर की कैंडिडेट को बहाली कर देना बड़ा सवाल है। इसका एक बानगी हम बताते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार में मोतिहारी में पकड़े दयाल प्रखंड के अंतर्गत सिरहा पंचायत वार्ड नंबर 8 में आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका बहाली को लेकर हुआ हल्ला हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस हल्ला हंगामा के बाद पर्यवेक्षिका प्रिया कुमारी ने आम सभा को लिखित रूप से रद्द कर दिया। माधुरी कुमारी ने पर्यवेक्षिका प्रिया कुमारी पर लगाए आरोप। जब आम सभा रद्द हो गई उसके बाद बिना आम सभा के ही मोटी रकम लेकर कम अंक वाले कैंडिडेट सुमावती कुमारी को सेविका में बहाली कर दी गई। माधुरी कुमारी लिस्ट में एक नंबर पर है, अधिक अंक भी हैं, उसके बाद भी कम अंक वाले का बहाली क्यों हो गई? सुमावती कुमार का ससुर आज भी वार्ड सदस्य के पद पर है। माधुरी कुमारी ने आरोप लगाया है, सुमावती कुमारी सही से दो लाइन किसी विषय पर लिख नहीं सकती है। पहले सुमावती कुमारी सहायिका के पद पर थी, अब अचानक सेविका बन गई। अब सवाल ये है, क्या बच्चों को सही शिक्षा सुमावती कुमारी दे पाएगी? मोतिहारी बिहार से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जो भी चयन हुआ है सिरहा का जो आप बोल रहे हैं मामला माधुरी कुमारी का, वो महिला परिषद का महिला श्रीमती प्रिया के ये महिला द्वारा हुआ, नियमानुसार हुआ है, मार्गदर्शिका के अनुसार हुआ है, सही हुआ तो आमसभा स्थगित किया जा सकता था, क्योंकि उस तरह से उस समय वैसा कुछ नहीं हुआ। हमारी जो अध्यक्ष महोदया थी उनके भी सहमति से चयन पत्र भी दे दिया गया। कार्रवाई समाप्त के बाद इस तरह से किया तो आमसभा स्थगित होने का सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती बदसलूकी टाइप करने लगी, वो भी कुछ महिलाओं के साथ मिलके। फिर तो आपने किस रूप में रद्द का साइन करके दिया आपने आमसभा? वो जबरदस्ती करने लगी तो प्रशासन लोग भी बोले कि मैडम अब कोई उपाय नहीं है, है ना। प्रशासन भी बहुत मात्रा में वहां पहुंचे, बोले कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आगे 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 गाड़ी बढ़ाइएगा तो आपको दिक्कत होगा, फिर पीछे से बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हम लोग को करने लगी, तो जबरदस्ती वो हमसे लिखवाई, जिसकी सूचना मैं मतलब वहां से अपने कार्यालय में आने के बाद अपने कार्यालय को भी दी हूँ, लिखित रूप से दी हूँ। और ऐसे में वो आम सभा स्थगित हुआ ही नहीं, लेकिन उसके द्वारा जबरदस्ती मुझसे लिखवाया गया, वो भी प्रशासन के सामने, पकड़ी दयाल थाना प्रभारी जो है उन लोग के सामने लिखवाया गया। उसके बाद फिर उन लोग की सहायता से मैं वहां से सही सलामत निकल पाई। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया। बैठक हुआ था ना तो हम उन लोगों से, मेरे पास जाति प्रमाण पत्र ना रहने के स्थिति में वो लोग मुझ पे बोले कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका नहीं होगा। तो हम बोले कि मैडम जी हमको पता नहीं था कि पिता के जाति से जाति मान्य होता है, कि आप मुझे 15 दिन का समय दीजिए तो आपको अगला बैठक में हम आपको जाति प्रमाण पत्र ला के दे देंगे। बाकी वो मैडम क्या कहते हैं, हमारी एक बात नहीं सुनी और वो उन दूसरे पार्टी का पैसा लेके कि क्या करी थी हमको नहीं पता, उसका चयन कर दी बाद में। वो भी वो बोली हमको लिखित करके दी कि ये चयन आपका जो वो है ना स्थगित कर रहे हैं और अगला डेट जो निकलेगा उसमें आपको क्या कहते हैं दोबारा आम सभा लगाएंगे और चयनित करेंगे, और जिसका रिसीविंग वो मुझे दी थी इस तरह पूरा लिखा ये लिखे हैं हम उनका रिसीविंग का, इसका जो ओरिजिनल है वो मुखिया जी के पास है। बाकी हम पैरा तकते तकते रह गए कि आज आम सभा होगा, अब आम सभा होगा। हम अपने नैयर को गए, वहाँ से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा के लेके आए, बाकी यहाँ पर आम सभा के कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। फिर हम ऑफिस में एक दिन गए, ऑफिस में जाने के बाद वो लोग बोले कि आपको जो करना है आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, हम आपका नहीं करेंगे, क्या कहते हैं आपको जो करना है कीजिए, हम अपडेट नहीं निकलेगा, हम बैक डेट में उसका कर दिए हैं। इस तरीके से वो लोग बोला। अब मैं गुजारिश करती हूँ कि जो पकड़ी दयाल के पदाधिकारी है और जो मोतिहारी के पदाधिकारी है इस बात पे सुनवाई किए करें कि उस जो औरत को एक भी अक्षर लाइन लिखना नहीं आता है, जो एक अक्षर नहीं लिख सकती है और उसको चयन किया गया है और उसको दो अक्षर ना पढ़ने आता है ना लिखना आता है, मेरे गुजारिश करती हूँ कि उनको पढ़वा के और लिखवा के देखा जाए कि वो इस लोग योग्य है कि नहीं है। जिसको खुद नहीं आता है वो बच्चों को क्या ज्ञान देगी? अगर मैं गलत हूँ तो कोई वो मुझे वो करे, माने अगर आप उसको भी देखिए कि वो उस लायक है कि नहीं है, बस इतना ही मैं गुजारिश करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले।
और न्याय के अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। अच्छा, बहाली जिसका हुआ उस लेडीज का नाम क्या है? उस लेडीज का नाम है सुमावती देवी, जो कि उनके ससुर पहले से वार्ड सदस्य हैं और वार्ड सदस्य होने के बावजूद भी वो वार्ड सदस्य पे रिजाइन मार के अपना पोतों का रिजाइन नहीं मारा, और वो झूठों के मुखिया को रिजाइन दे के कि हम रिजाइन दे दिए हैं, और जबकि रिजाइन लेटर वीडियो को दिया जाता है, वो वीडियो को ना देकर और मुखिया को देकर कहा कि हम लोग रिजाइन दे दिए हैं और हमारा पतों का कर दिया जाए, और वो अपना पतों का करवा लिए, और जबकि नियम के कानून के हिसाब से एक घर में चार चार नौकरी और एक गरीब के घर में एक भी नौकरी नहीं होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम माधुरी देवी। क्या नंबर वार्ड में? जी 8 नंबर वार्ड में।